नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र का जो अधूरा भाग रहता था वो करते हैं। दो। युधिष्ठिर क्या हुतासन शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से ही छूटता है। अनलगिरी फूटता तब ताप होता है अग्नि में, कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में। हुतासन शैल का अर्थ होता है ज्वालामुखी, और अनलगिरी भी, अनल का अर्थ है आग, गिरी का पर्वत, तो आग का पर्वत भी ज्वालामुखी पर्वत ही हुआ। अवनी पृथ्वी, दामिनी बिजली, और धूमाकुल धुएं से गिरे हुए। तो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम समझते हो कि ज्वालामुखी का विस्फोट एकाएक हो जाता है? यह तभी हो सकता है जब पृथ्वी के गर्भ में आग का विशेष अर्थात अत्यंत अत्यधिक संचय हो जाए। क्या कभी बादल रहित आकाश से भयंकर बिजली गिरने के लिए आसमानों का बादलों से भरा होना आवश्यक है? अर्थात कारण के बिना कार्य का संपन्न होना असंभव है। महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का विकट विस्फोट, यह संपूर्ण भारतवर्ष का। द्वंद का अर्थ होता है झगड़ा, दो का झगड़ा, अनल आग, पुंज का अर्थ है समूह, कुफल बुरा परिणाम, विकट भयानक। तो महाभारत का युद्ध द्वंद केवल दो घरों का युद्ध। भीष्म पितामह जी कहते हैं युधिष्ठर को कि महाभारत का युद्ध केवल कौरव और पांडवों के पास कलह के कारण नहीं हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक राजाओं के हृदयों में निवास करने वाली वैर भाव की अग्नि में ने इसका इसमें योगदान दिया है। अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का, अगणित का मतलब अनगिनत आदमियों का या अनगणित राजाओं का। तो संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक राजाओं के हृदय में निवास करने वाली वैर भाव की अग्नि में ने भी इसमें योगदान दिया है। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का, अतः इस युद्ध को केवल कुरुवंश या कौरव कुल के दुष्कर्मों या दुष्प्रवृत्तियों का परिणाम मानना उचित नहीं है। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का, और यह तो क्योंकि इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं ने भाग लिया था, इसलिए यह संपूर्ण भारतवर्ष का विस्फोट है। युगों से विश्व में विष वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। तो भीष्म पितामह ने कहा कि विश्व का वातावरण बहुत समय से दूषित बना हुआ था, जनमानस बहुत समय से अन्याय अत्याचार का शोषण सहन कर रहा था, और अपना अपना बदला चुकाने के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे थे, अर्थात अवसर की या मौके की प्रतीक्षा में थे। महाभारत जैसा सुअवसर मिलते ही सभी युद्ध में संलग्न हो गए, लिप्त हो गए। कहीं था जल रहा कोई किसी की सुरता से, कहीं था शोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कहीं उत्कर्ष ही नरप का नरपों को सहलता था, कहीं प्रतिशोध कोई भुजंगम पालता था। भुजंगम का अर्थ होता है सर्प, उत्कर्ष का अर्थ होता है 29 साल तक कांटे की तरह चुभना, शोभ क्रोध या गुस्सा, सुरता बहादुरी। भीष्म पितामह का कहना है कि महाभारत से पूर्व देश में कहीं किसी को की वीरता शौर्य शक्ति से अपने मन में जलन का अनुभव कर रहा था। कहीं था जल रहा था कि महाभारत का युद्ध होने से पहले ही हम किसी के शौर्य से हम जल रहे थे। वह किसी के हृदय में दूसरे के प्रति गुस्सा उभर रहा था, तो कहीं किसी की क्रूरता या निर्दयी व्यवहार से कोई दुखी था। किसी राजा के राज्य में उन्नति या विकास देकर दूसरे राजा को मन ही मन ईर्ष्या द्वेष का अनुभव हो रहा था। कहीं किसी राजा ने दूसरे राजा से अपमान का प्रतिशोध चुकाने के लिए जानबूझकर ईर्ष्या रूपी विषैला सर्प अपने मन में पाला हुआ था। निभाना पार्थ वध, पार्थ होता है अर्जुन का चाहता, राधे, राधे करण था परण, राधे था परण, द्रुप्त था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। सुकने को चाह थी कैसे चुकाए रण पिता का, मिला दे धूल में किस जाति कुरुकुल की पता का। तो भीष्म पितामह ने बताया कि राधा का पुत्र कर्ण अर्जुन का वध करने का अपना प्रण पूरा करना चाहता था, उधर पांचाल नरेश द्रुप्त गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला चुकाना चाहता था। इसी प्रकार गांधार नरेश शकुनी भी कुरुवंश की कीर्ति पताका को नष्ट करके अपने पिता का ऋण
चुकाना चाहता था। शकुनी था जो वो कौरवों की के साइड बोलता था, वो उसकी भलाई के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो पीछे ही पीछे को कहीं उसके मन में ये था कि कौरवों का नाश करना है, विनाश करना है। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था, हेतु बनकर उसे रखना जवलित केवल अनल था। जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। घोर छल मतलब उनको भयानक धोखा देना चाहता था, जवलित जली हुई अनल आग सुलगती जलना अकुला रही थी बेचैन होना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि सुयोधन का अर्थ है यहाँ पर दुर्योधन, कि ऊपर से शकुनी दुर्योधन का हितैषी लग रहा था, किंतु उसके मन में भयानक छल की भावना पनप रही थी। वह तो कौरव और पांडवों के आपसी फूट और वैर की अग्नि को जलाए रखना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी न किसी के पक्ष में मिल गया था। जो जहाँ था वहाँ ही उसके हृदय में अग्नि सुलग रही थी। यह हृदय की अग्नि युद्ध में फूट पड़ने के लिए व्याकुल थी। सुधारों से शिवम भगवान के जो जो चिढ़े थे, नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिठा था मान उनका, दुबक कर रहा उसका रहा धुंधुआ दविगुण अभिमान उनका। भगवान का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण, नृपति राजा क्रुद्ध होकर क्रोधित होकर और दविगुण शिवम भगवान श्री कृष्ण ने कई परंपराओं में सुधारों को आरंभ किया था, किंतु इन सुधारों से चिढ़ने वाले सभी उनके विरुद्ध एकत्रित हो गए थे। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध कर देने पर ही इन राजाओं का अभिमान कम नहीं हुआ, अपितु वे मन ही मन उनसे द्वेष करने लगे। अर्थात ईर्ष्या व द्वेष की भावना से वे सब इतने अंधे हो चुके थे कि श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को भी नहीं पहचान पाए और युद्ध में उनसे बदला लेने की ठान बैठे थे। तो यहाँ पर कवि ने इस तथ्य को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है कि जब मन ईर्ष्या और द्वेष से जल रहा हो तो उसमें सद्भावना को समझने की शक्ति नहीं होती। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, कभी से दो पलों में हो रहे लोग सज्जित, खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जा को चढ़ाकर मयान में तलवार लेकर। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आपस के झगड़ों में वैर भाव के कारण लोग बहुत समय पूर्व ही दो दलों में विभाजित हो गए थे। अर्थात जिसे जहाँ कहीं भी स्वार्थ पूरा होता नजर आया वह वहीं जा मिला। युद्ध पूर्व सभी लोग हृदय में द्वेष व प्रतिशोध की रदकती हुई आग लिए हुए थे। कुछ अपने अपने धनुष बाणों से सुसज्जित थे और कुछ तलवारों से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। अर्थात जिसके पास जैसा भी शस्त्र था वह उसे लेकर युद्ध में कूद पड़ा था। था रह गया हला हल्का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। हला हल्का अर्थ होता है जहर विष, राजसूय होता है एक प्रकार का यज्ञ। कि हे युधिष्ठिर, यदि द्वेष रूपी जहर को थोड़ी बहुत कमी रह जाती तो वह तुम्हारे राजसूय यज्ञ ने पूरी कर दी। तुम्हारे विपक्षी दलों के राजाओं की ईर्ष्या की अग्नि को आहुति जैसा बल मिला और वह पूरे आवेश से भड़क उठी। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में घी की आहुति देने से वह भड़क उठती है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ ने अन्य राजाओं के हृदय में सुलग रही ईर्ष्या व द्वेष की अग्नि में घी का काम किया। इच्छा नर की ओर और फल देती उसे नियति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में एकत प्रकृति की गति। पीयूष होता है अमृत, नियति होती है भाग्य, और एकत प्रकृति वह प्रकृति जिसका वर्णन न किया जा सके। भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मानव अपने मन में कुछ और इच्छाएं संजोता है, किंतु दैव और भाग्य कुछ और ही फल देता है। प्रकृति की गति भी विचित्र होती है, क्योंकि अमृत के समान मीठा और स्वास्थ्यदायक फल देने वाला वृक्ष भी कभी कभी विषैला फल भी देता है। पांडव ने राजसूय यज्ञ कल्याण की भावना से कराया था, किंतु विपक्षी राजाओं ने इसका विपरीत अर्थ ले लिया और युद्ध की तैयारियां समझने लगे। तुम्हें भला सम्राट देश का, राजसूय के द्वारा केशव ने था एक के सर्जन का उचित उपाय विचारा। केशव श्री कृष्ण, एक के सर्जन एकता का निर्माण। विषम पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस यज्ञ को दृढ़ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धरातल पर संपन्न करवाना चाहा था, किंतु देव अर्थात भाग्य में कुछ और ही लिखा था, उनके प्रयत्नों को गलत समझा गया। श्री कृष्ण ने तुम्हें एक छत्र सम्राट बनाकर देश की को एकता के सूत्र में बांधना चाहा था, लेकिन देश की शक्ति का अपव्यय विनाश के कार्यों में
नया था। राजसूय यज्ञ के पीछे छिपी श्री कृष्ण की दूरदर्शिता का प्रभावशाली प्रतिपादन किया गया है। सो परिणाम और कुछ निकला, बड़की आग भुवन में दवे संकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, भुवन का अर्थ होता है संसार, कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ देश की भलाई को ध्यान में रखकर करवाया था, किंतु उसका विपरीत परिणाम निकला, देश और भी अधिक टुकड़ों में विभाजित हो गया। क्योंकि यज्ञ के अनुष्ठान के कारण जो राजा पराजित हुए थे उनके हृदय में पांडवों और श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और उस द्वेष अग्नि ने महाभारत के युद्ध में सारे देश को नष्ट करके रख दिया। समझने पाए वे केशव के सुदेश्य निश्चल को देखा मातर, उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को भगवान श्री कृष्ण की राजसूय करवाने के पीछे छिपी उनकी सद्भावना एवं उच्च उद्देश्य को द्वेष भावनाओं के कारण विपक्षी राजा न समझ सके। उन्होंने केवल इस यज्ञ से युधिष्ठिर की शक्ति के विकास को ही देखा, जिससे उनके मन में जल रही जो द्वेष की जो अग्नि थी वो और भी भड़क उठी। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाद क्रम है वही मनुज अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। पूज्य का अर्थ होता है पूजने योग्य, बाधा रुकावटे और भ्रम अज्ञान। हे युधिष्ठिर, पूजनीय को पूज्य और महान को महान मानना मानव की उदारता है, परंतु मनुष्य तो अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। उसे किसी की उदारता स्वीकार करना किसी भी कीमत पर रुचिकर नहीं है। वास्तव में यह मानव का भ्रम या अज्ञान है। तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मानव अपनी अहम वृत्ति के कारण अपनी सद्वृत्ति और गुण ग्राहकता को भुलाकर मन में ईर्ष्या और द्वेष जोकर अनेक प्रकार से दुखी होता रहता है। धन्यवाद। इसका जो आधा भाग है वो हम कल करें।